बुराड़ी विधानसभा के झाड़ोदा वार्ड के अंतर्गत आने वाली कई कॉलोनी को कोर्ट ने तोड़ने का नोटिस जारी किया है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर मुकरबा चौक वजीराबाद रिंग रोड पर हजारों लोगों ने जाम लगा दिया। जाम की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों का आरोप है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लोगों को बसाया गया और अब उनके घर तोड़वाए जा रहे हैं। रिंग रोड पर लंबा जाम लगने से हजारों वाहन फंस गए। इस मामले में विधायक संजीव झा ने बताया है कि वो खुद हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और इस डेमोलिशन की प्रक्रिया पर स्टे लेकर लोगों को राहत देंगे। सड़क जाम किए हुए करीब 2 घंटे का समय हो चुका है और रिंग रोड पर एक लंबा जाम लग चुका है। लोग परेशान हो रहे हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सर, जाम लगा रखा है, लोग भी परेशान हो रहे हैं, कारण क्या है? कारण ये है कि ये जड़ौदा संगम विहार और की कम से कम जो है 5-7 लाख लोगों का सवाल है। 40-50 साल से 4-5 पुश्तों से लोग रह रहे हैं और उनको कोई जैसे विवादित जमीन अगर आप मान रहे हैं कि कोई पाकिस्तानी शरणार्थी आया उसकी जमीन सरकार ने उसको दी, तो ये बात तो जरूर पूछी जानी चाहिए ना कि वो जमीन विवादित है। तो अगर विवादित है तो वहाँ नोटिस चस्पा होना चाहिए पहले से 50 साल, ताकि जो गाड़ी कमाई का पैसा कमा रहा है वो क्यों यहाँ जमीन खरीदेगा, है ना। अब जो ये स्थिति ये आई है कि आप जो है एक तरफा आपने कोर्ट के साथ आप काम कर रहे हैं। अभी बताया जा रहा है कुछ मैसेज भी आए हैं कि बिजली पानी सब काट दिया जाएगा। आया है 2 दिन पहले मैसेज आया है कि बिजली पानी सब काट दिया जाएगा। और ये रोड कितनी देर से जाम किया हुआ है? 2 घंटे हो गए भाई साहब। दिक्कत यही कॉलोनी तोड़ने के आदेश आए हुए हैं। पब्लिक कितनी परेशान है और बिजली पानी का लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी कमाई लगा दी इसमें, पूरी जिंदगी कमाई इसमें लगा दी, ठीक है जी। सारी सरकार जब बनाई थी, जब बारिश हो रही थी, इसमें बिजली भी दी, पानी भी दी, सड़कें भी बनाई, सीओरी बनाई, सब कुछ नहीं होगा। अभी पब्लिक कहाँ जाएगी? अभी आपको कितना डर लग रहा है? नोटिस तो पहले डिमार्केशन करने आए, क्या बताया, क्या आश्वासन दिया और आप नोटिस आ गए? नोटिस किस चीज की आई है? नोटिस पर डिमोलिशन का दिया हुआ है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था। अभी हफ्ता 10 दिन से पता चला है, इसके पहले कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम यहाँ 30 साल से रह रहे हैं, अभी तक कहाँ था बंदा, जिसका था फिलहाल आपको बता दें। जिस तरीके से यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ इन लोगों को डर है कि कहीं अपने घर से बेघर ना हो जाए, इनका आना ना फिर जाए, उसको लेकर लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से यहाँ पर कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन को कर रहे हैं और अपनी मांग सरकार से मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 20 तारीख को डेमोलिशन होगा या फिर उस पर स्टे ले लिया जाएगा। नसीम अहमद, जी मीडिया दिल्ली। आज से 2 दिन पहले हमने सबको बुलाए थे और 2 बातें हमने कहा, क्योंकि बात ये कोर्ट का है तो रास्ता कोर्ट से निकलेगा, तो कोर्ट हम जाएंगे, वकील हमने फाइनल कर लिया है। क्योंकि मुझे लगता है कि गलत तरीके से ये कोर्ट को गुमराह करके ये नोटिस इश्यू किया गया है। जिनको पोजीशन को पार्टी नहीं बनाया गया, जिनको पार्टी बनाया गया वहां है नहीं, तो मुझे लगता है कि कोर्ट को गुमराह करके ये नोटिस ले आई गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये पार्टी बन के जाएंगे कोर्ट में तो उनके साथ न्याय होगा। हम सब लोग उनके साथ मजबूती से खड़े हैं, हम एक भी घर नहीं उजड़ने देंगे, चाहे इसके लिए हमें हम लोगों को जिस हद तक जाना पड़े। रिंग रोड पर लगे जाम के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अलर्ट जारी किया है, लोगों से रास्ता बदल कर जाने की अपील की है। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता नसीम अहमद मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नसीम इस वक्त रिंग रोड पर ही मौजूद हैं। नसीम, सबसे पहले बताइए अभी क्या स्थिति है, जाम के बाद हालात सामान्य हो पाए हैं या अभी भी जाम की स्थिति बनी हुई है? जी देखिए, मैं सबसे पहले आपको यहाँ की स्थिति दिखाना चाहता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस का तमाम जो दस्ता था यहाँ पर पहुंचा और डीसीबी रैंक के जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और तमाम लोगों को यहाँ से खदेड़ दिया गया है और यहाँ से कुछ लोगों को ट्रेन किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि करीब 3 घंटे यहाँ पर रिंग रोड पर लंबा जाम लगा रहा है, जिसके बाद अब इस जाम को खोल दिया गया है। तमाम जो लोग हैं उधर मैं दिखाना चाहूंगा पुल की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, उनको वहां से पुलिस समझा कर आगे भेज रही है। आपको बता दें मकान टूटने के रोष में यहाँ पर
करीब 1000 से ज्यादा लोग रिंग रोड पर इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद में अब ये जो हालात है तमाने होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पिछले कई घंटे लगातार जाम लगने के बाद में लोग इतने परेशान थे कि यहाँ पर एम्बुलेंसें फंसी हुई थी और कुछ लोग इमरजेंसी से किसी काम के लिए जा रहे थे, वो भी जाम में फंसे हुए थे। लोग यहाँ परेशान है क्योंकि उनको डर है कहीं उनका आशियाना ना छूट जाए। हालांकि आपको बता दें कल दीपावली थी, लेकिन दीपावली संगम बिहार के इलाके में लोगों ने नहीं बनाई, क्योंकि लोगों को दिख रहा था कि घर टूटने वाले हैं, वो बेघर होने वाले हैं। लोगों का कहना है कि 20 तारीख को उन्हें घर खाली करने के नोटिस दिए गए हैं बिल्डिंग विभाग की तरफ से। अब देखने वाली बात होगी इस समस्या का समाधान आखिरकार कैसे होता है। लेकिन आज अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर वजीराबाद पार्ट टू गड़ोदा के जो लोग थे हजारों यहाँ पर पहुंचे। पिछले 3 घंटे से लगातार सड़क को जाम किए हुए थे, लेकिन अब भारी पुलिस बल तैनात होने के बाद में समझाकर कुछ लोगों को रिटेन किया गया। यहाँ पर थोड़ा हल्का फुल्का लाठीचार्ज भी किया गया है और लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है, रिंग रोड को अब खोल दिया गया है। हालांकि रिंग रोड जाम होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई थी और कुछ दूसरे रास्ते तैयार करने की बात कही गई थी, लेकिन अब रिंग रोड साफ हो चुका है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग हैं अभी भी आक्रोशित हैं और जो इस समस्या है मकान टूटने की, उसको लेकर लगातार दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, जनप्रतिनिधि और कुछ न्यायाधीश के खिलाफ नारेबाजी भी करते हुए नजर आए। जी, जिस जगह पर ये जाम है रिंग रोड का, रिंग रोड इसको दिल्ली वाले या दिल्ली से बाहर जो लोग समझ सकते हैं, दिल्ली का एक पूरा राउंड है जो रिंग रोड है, विशेष तौर पर जो जाम लगा है नसीम, इससे लोगों को डायवर्जन के बारे में दिल्ली पुलिस की तरफ से सूचित किया गया है, लोग इसमें घंटों फंसे होंगे, तो डायवर्जन का थोड़ा बता दीजिए किस तरीके से डायवर्जन है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी तरफ से डायवर्जन के लिए दिया गया था। जो ब्राडी क्रॉसिंग है वहां से निरंकारी होते हुए आईएसबीटी जाने के लिए जो जीटीबी मुखर्जी नगर इलाका है वो रास्ता इख्तियार करने की बात की गई थी। और साथ ही यदि किसी को घंटाघर की तरफ जाना है या मलकागंज की तरफ जाना है या फिर इंदिरा हॉस्पिटल की तरफ जाना है तो उनके लिए भी वही रास्ता इख्तियार करने की बात की गई थी। लेकिन जैसे ही घंटा लंबा जाम लगा तो ये जाम जो है दिल्ली के मुकरवा चौक को पार करते हुए रोहिणी और जो मधुबन चौक है वहां तक जो लोगों को प्रभावित किया। जाम में फंसे हुए लोगों की वजह से कई जगह क्रॉसिंग नहीं हो पाई, लेकिन जो ब्राडी से निकलने वाले लोग थे या सर्विस रोड का जो रास्ता इस्तेमाल कर रहे थे वो फ्लाईओवर के ब्राडी फ्लाईओवर के नीचे से होते हुए रिंग रोड छोड़कर वो जो निरंकारी वाला रोड है वहां से जीटीवी करनाल रोड पर पहुंचे और उसके बाद में जीटीवी होते हुए मुखर्जी नगर पहुंचे। लेकिन कई घंटा ये ट्रैफिक बाधित होने के बाद में दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस भी चिंतित थे और तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाने की कोशिश की गई। कई घंटे की मशक्कत के बाद में जब पुलिस ने अपना कड़ा रास्ता अख्तियार किया तो इस सड़क को दिल्ली पुलिस खाली करवा पाई है। अब देखने वाली बात होगी क्या ये लोग फिर दोबारा रिंग रोड जाम करेंगे या फिर अब जनप्रतिनिधि या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जी चलिए नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। तो रिंग रोड कोशिश कीजिए अगले घंटे दो घंटे अगर आपको रिंग रोड और बुराड़ी वाले क्षेत्र में जाना है तो थोड़ा उस क्षेत्र को अवॉइड ही कीजिए।